तपोवन तबाही के नौवे दिन रेस्क्यू अभियान जारी है। रेस्क्यू अभियान कैसे चल रहा है, इस बारे में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर उज्जवल भट्टाचार्य से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। एनटीपीसी टनल तपोवन में लगातार सर्च एंड रेस्क्यू का काम जारी है, लोगों को ढूंढा जा रहा है। मेरे साथ एनटीपीसी डायरेक्टर प्रोजेक्ट उत्कर्ष भट्टाचार्य सर हैं, उज्जवल भट्टाचार्य सर हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं, आपकी जो टेक्निकल टीम है उसने भी मुआयना किया होगा और क्या फाइंडिंग्स हैं अब तक? देखिए, ये जो हादसा 7 तारीख घटी, हमने अपना चेयरमैन साहब के साथ इमीडिएटली 7 तारीख पहुँच गए, सीधा बैरेज आ गए थे। ये एक सैलाब है जिसको किसी ने इमेजिन कर नहीं पाया था। आपने देखा होगा कितना हाई लेवल तक वाटर मार्क अभी भी दिख रहा है। आपका चैनल का थ्रू आप अपना दर्शकों को दिखा दीजिए। इसके बावजूद भी हमने इमीडिएटली कितना हमारा सर्वाइवर्स मशीन एंड मटेरियल इक्विपमेंट डोजिंग मशीनरीज अवेलेबल हैं उसको लगा दिया सर्विस में इमीडिएटली ऑन 7 तारीख इटसेल्फ। 90% का आसपास हमारा मशीनरी या तो बह गया या तो मिसिंग था। अभी हम लोग उसका सारे एक एक करके निकालने का कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा टावर क्रेन था लंबी ऊंची, जो आप लोग देखे होंगे, वो 3 हिस्सा में टूट के वो नदी में इधर उधर पड़ा हुआ है। एक एक पार्ट से अभी दूर से शायद नज़र में आ रहा है। एक 75 टन वाली क्रेन थी, वो बह गया। हमारा जो बैराज है उसको आप दिखाएंगे, ये बैराज में आके ये पानी का जो शक्ति थी ये काफ़ी हद तक रोक दिया गया। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा चट्टान उधर पड़ा हुआ होगा जो पहाड़ से आए हैं। इतना बड़ा चट्टान जो पानी में आ सकता है उसका कितना शक्ति हो सकता है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमने 355 टोटल लोगों को हमने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिए हैं। 355 लोगों में एनटीपीसी का अधिकारी, अपना कर्मचारी, सीआईएसएफ, ये सब हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, NDRF, SDRF, आर्मी, पुलिस, ये सब दिन भर लगा हुआ है। अभी हमारा 4 फ्रंट में काम चल रहा है। एक है हमारा टनल के अंदर, टनल में हमने अभी तक 145 तक क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उधर पानी आना शुरू हो गया तो हमने उसका जो मलबा निकल रहा है वो थोड़ा तिरछा हो रहा है। ये फ्रिक्शन का जो नॉर्मल फेनोमेना है मटेरियल का, उसके हिसाब से तिरछा हो रहा है। अगर हम उसको भी अकाउंट फॉर करें तो 155 मीटर तक हम देख पा रहा है जिसका टॉप तक। ये है आपका मार्किंग का प्रोग्रेस। अभी तक टनल से 9 बॉडीज हम रिकवर कर चुके हैं एंड उसमें से हमने 6 जनों का आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं, 3 जनों का अभी चल रहा है। सर, एक सवाल मेरा ये है कि मतलब आपका ये कहना है कि जो पानी का सैलाब था वो डैम पर जब आया है तो तब उसका प्रेशर कम हुआ है, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता था? देखिए, क्या हो सकता था वो तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्या हो सकता था आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। अगर ये डैम, ये पानी, ये है बैराज, इसको नहीं रोक दिया होता शुरू में तो ये तो उसी तौर से और भी नीचे जाते हुए और इसी लेवल में जशीमठ और डाउनस्ट्रीम एरिया में बहुत भयंकर कैलामिटी मचा सकता था। एक सवाल ये है कि जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, चाहे वो एजेंसीज के थे, किसके थे, अब उनके लिए एनटीपीसी क्या कर रहा है? क्योंकि लोगों में एक नाराज़गी भी थी और लोग चाहते हैं कि आपकी ओर से कुछ हो, तो क्या कुछ हो रहा है उसमें? इसमें लोगों के लिए देखिए, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ऑनरेबल CM साहब ने ऑलरेडी मुआवजा डिक्लेयर कर दिए थे। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसी दिन डिक्लेरेशन दे दिए थे। हमारा माननीय ऊर्जा मंत्री जी आए थे, वो आके बोल के गए थे कि NTPC तरफ से 20 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जो लोग हमारा काम कर रहे थे हमारे एजेंसीज में, उन लोगों को दिया जाएगा। उसके लिए हम लोग अभी कितना मिसिंग है, कितना डिसीज्ड है, ये देखने में लगे हुए हैं। हमारा 3 विंग में काम चल रहा है। एक विंग लगा हुआ है कम्प्लीटली रेस्क्यू ऑपरेशन में, एक विंग लगा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ मशीनरीज एंड बैकअप सपोर्ट, और एक विंग देखिएगा उसमें हमारा 14 जन लोग हैं। मोस्टली हमने दिल्ली से और डिफरेंट प्रोजेक्ट से लेकर आए हैं, वो जिसको हमने HR एडमिनिस्ट्रेशन R&R CSR टीम कहते हैं, ये लोग लगा हुआ है। हमारा मेडिकल कैंप, हमारा लोगों को रहने का जगह, 55 लोग ऑलरेडी रह चुके हैं डिफरेंट टाइम पे, उसको रहने का जगह, उसको खाने का सारे बंदोबस्त हो रहा है। हमने एक सूचना केंद्र उसी दिन खोल दिए थे, जो लोकल लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जिनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए
हमारा लोग उधर 24/7 माइनिंग करने के लिए बैठते हैं। सर मतलब अगर एक पीड़ित को माना जाए तो लगभग कितना आप लोगों ने आकलन किया है कि उनको कितनी राशि मिलेगी? एक पीड़ित जो हमारा एजेंसीज का द्वारा हमारा इधर काम कर रहे थे, अगर उसको हम आइडेंटिफाई कर लें जैसे हमारा ऊर्जा मंत्री महोदय ने बोल के गए, तो उसी हिसाब से हमने उनको एनटीपीसी की तरफ से 20 लाख रुपए मुआवजा देंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका अलावा राइट फर्दर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इन लोगों का इंश्योरेंस हमने लेके रख चुके हैं। उसमें इंश्योरेंस के ऊपर एंड लेवल के ऊपर एंड एज के ऊपर इसी हिसाब से उसको भी कुछ कॉम्पनसेशन मिलेगा। ये रेंज 5 लाख से 14 लाख तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल पर्सन। सर एक आखिरी सवाल, अब ये पूरा प्रोजेक्ट आपने देखा, पूरा जिस तरीके से नुकसान हुआ है, इन फ्यूचर हाइड्रो प्रोजेक्ट जो भी होंगे पूरे देश में या विश्व स्तर पर, तो आपको लगता है कि एक नए तरीके से एक नई रिसर्च होगी और इसका भी तोड़ आप लोग निकालेंगे? देखिए हाइड्रो प्रोजेक्ट कोई नई चीज़ है नहीं, दुनिया में हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत जगह में बन चुके हैं, इंडिया में बहुत सारे हैं। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ही बनाया गया था, जो डिज़ाइन CWC ये सब जगह से हम लोग करते थे इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट में हुआ है। वी हैव अप्लाइड दोज फाइंडिंग्स एंड लर्निंग्स हियर। लेकिन ये जो हादसा है ये तो प्रलय है, ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था, लेकिन इससे भी हम लोग कुछ लर्निंग निकालने का कोशिश कर रहे हैं। और लर्निंग के हिसाब से क्या अर्ली वार्निंग, क्या सेफ्टी सिस्टम और रख सकते हैं वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे अभी ऋषिगंगा जंक्शन पॉइंट में हमने अपना एक 24 घंटे के लिए एक अर्ली वार्निंग मैनुअल सिस्टम चालू कर दिया। हमारा उधर एक ग्रुप बैठा हुआ रहता है 24 घंटा, वो नदी का तरफ देख रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नदी का जल स्तर बढ़ने का या घटने का वो हमारा इधर कॉल सेंटर में हमारा जो प्रोजेक्ट अधिकारी है उनका पास 15 मिनट से एक घंटा का बाद इन्फॉर्मेशन आ जाता है। सर एक आखिरी सवाल, पहले इसका अनुमान नहीं था क्या इस तरह के सिस्टम की ज़रूरत थी, या पहले इस तरह का अंदेशा नहीं था? आपको लगता है कि अगर पहले भी अगर ऐसा सिस्टम होता तो शायद कुछ नुकसान कम हो सकता? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पहले अंदेशा नहीं था। देखो ऋषिगंगा बैरेज, ऋषिगंगा में एक प्रोजेक्ट था, इससे पहले क्या होता था उस प्रोजेक्ट हमारा 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम में है, उसको उससे पहले उसका जो एरिया है बैराज एरिया है वो सब दिखता था, हम लोगों के इन्फॉर्मल इन्फॉर्मेशन तो चलता ही रहता था। लेकिन इस बार उसका पास तो कोई टाइम मिला ही नहीं, वो तो पूरा साफ हो गया, आपने देखे होंगे, ठीक है, हमारा बैरेज तो बुलंद है अभी भी, वो तो साफ हो गया अभी, इसीलिए उस जगह में हमने शुरू कर दिए कि कम से उस जगह से हमारा पास डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन अर्ली मिल जाए ताकि कम से कम हमें कुछ टाइम मिले। दूसरी चीज़ रही कि कितनी स्पीड में आपका ये पानी आया है, आपको देखो जो भी सिस्टम बनाओ आपको एक मिनिमम रेस्क्यू टाइम चाहिए। आप क्या करोगे, जो काम कर रहे हो उस टाइम आपको बोलेगा भागो, ये बोलने के बाद आपका रिएक्शन टाइम, आपका दौड़ने का टाइम, पहाड़ी में ऊंचाई में जाते हुए जो स्पीड होता है, ये सब नज़र में रखते हुए आपको जो मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम चाहिए वो रिस्पॉन्स टाइम दे के आप वार्निंग सिस्टम लगाओगे। बेस्ट डिज़ाइन वर्किंग सिस्टम, वार्निंग सिस्टम, ये सब लेके करोगे उसके बाद इस टाइप का प्रलय आएगा जिसमें आपको 10 मिनट भी टाइम में मिला कोई काम नहीं हो सकता है। बट हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीट हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये रिवर का उत्तराखंड गवर्नमेंट, हम सब लगे हुए हैं कि इसमें क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम फर्दर कर सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी ले सकते हैं, कहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड आई एम श्योर एट द गवर्नमेंट लेवल मच बेटर सिस्टम will be evolved in future. NTPC के अधिकारी लगातार रेस्क्यू कार्यों पर नज़र रखे हुए हैं। उनका कहना है कि जो भी लोग इस आपदा में मारे गए हैं उनके परिवार को NTPC की ओर से 20 लाख रुपए सांत्वना राशि दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री और राज्य सरकार का पैसा अलग होगा और कंपनी इंश्योरेंस के तहत 5 लाख से लेकर 14 लाख तक जो भी जिस ग्रेड का व्यक्ति होगा वो पैसा भी अतिरिक्त दिया जाएगा। NTPC के अधिकारी ये मानते हैं कि अब अर्ली वार्निंग सिस्टम की इसमें ज़रूरत है। उनका ये कहना है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत उन्होंने ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के पास 24 घंटे के लिए अपनी टीम लगाई है और अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत अब कार्य किया जाएगा। वो ये भी मानते हैं कि भविष्य में इस तरह के प्रोजेक्ट का रिव्यू करना ज़रूरी है जिससे इस तरह की आपदा से हाइड्रो प्रोजेक्ट और जनता को बचाया जा सके। बुलेटिन जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, NTPC टनल, तपोवन।